हेलो डियर फ्रेंड, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्क सेंटर पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं FYUGP सेमेस्टर 1 के एग्जामिनेशन के बारे में, एग्जामिनेशन डेट के बारे में। जिस प्रकार से अभी ऑफिशियल सूचना आया हुआ है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या आपका एग्जामिनेशन जो है ना फिर से स्टार्ट हो गया है या नहीं। ठीक है, ये जो सेशन है वो FYUGP सेमेस्टर 1 2023 से 2027 सेशन वालों का, स्टूडेंटों के लिए है। ठीक है, और ये जो है BA BCOM BSc तीनों के स्टूडेंटों का है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो एग्जामिनेशन आपके रुक गए थे, मीन जो एग्जामिनेशन आप लोग नहीं दे पाए थे, जो एग्जाम आप लोग नहीं दे पाए थे, वो एग्जामिनेशन का डेट जो है फिर से आ चुका है और वो एग्जाम आपको देना पड़ेगा तो पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों कि आप लोगों को एग्जाम देना पड़ेगा और वोटिंग के बाद आपका एग्जामिनेशन का डेट आ जाएगा। तो बिल्कुल सेम तरीके से विनोबा भावे ने नोटिस निकाल दिया है और आपका एग्जामिनेशन जो है ना वो जल्द ही होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके डेट को जान लेते हैं कि आखिर कब कब आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं। उसके बाद हम लोग इसके VVI क्वेश्चंस को भी देख लेंगे कि आखिर VVI क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे। हर एक सब्जेक्ट के जो भी सब्जेक्ट आपके हैं, आप सब्जेक्ट मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो मैं उसको सारे सब्जेक्ट का आपको बता दूंगा कि VVI क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे और PDF कहाँ मिलेंगे। ठीक है, वैसे मैं आपको फिर से शॉर्टली में बता देना चाहता हूँ कि VVI क्वेश्चंस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं, वहाँ पे सबका प्लेलिस्ट दिया गया। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट दे दिया गया। ठीक है, और सारे सब्जेक्ट के PDF पाने के लिए आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना अनिवार्य है। ठीक है, अगर आप दोनों ग्रुप में जुड़ जाते हैं ना तो एग्जामिनेशन जिसमें आएगा ना उस समय मैं अवश्य क्या करूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में PDF भेज दूंगा और VVI क्वेश्चन का लिंक जो है व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग उसके डेट्स को जान लेते हैं कि कब कब आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है, कि ये नोटिस रियल है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये जो है आज का डेट दिया हुआ, आज 29 तारीख है। ठीक है, तो आज का डेट दिया हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि आज ही ये नोटिस आया हुआ है और ये क्या है, बिल्कुल सही है और बिल्कुल सच है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले डेट जान लेते हैं। ये तो हम लोग जान गए कि ये सच है ना। देखिए 29/5/2024 को आया, इसका मतलब हम लोग समझ गए हैं कि आज ये नोटिस आया हुआ है और ये क्या है, सच है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके VVI मतलब डेट्स के बारे में जान लेते हैं कि कब कब आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका स्टार्ट है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग एग्जामिनेशन डेट रिवाइज प्रोग्राम FYUGP सेमेस्टर 1 का। ठीक है, तो जिस प्रकार से आपका पहले एग्जामिनेशन हुआ था ना, मीन सीरियल वाइज जिस प्रकार से एग्जामिनेशन था, बिल्कुल सेम तरीके से आपका अभी भी एग्जामिनेशन होने वाला है। दो सिटिंग में आपका एग्जामिनेशन होगा, एक 10 से 1 बजे तक और एक 2 बजे से 5 बजे तक। ठीक है, तो पहला जो एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट है वो 14/6/2024 को स्टार्ट है, मीन 14 तारीख से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट है। तो पहला एग्जामिनेशन जो होगा वो अकाउंटिंग मेजर का होगा, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल। ठीक है, फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटोनी मीन्स और जियोलॉजी सोशोलॉजी वालों का जो है ना वो कब होने वाला है, 14/6/2024 को एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, और उसी के बाद उसी के दिन जो है ना, मतलब 14 तारीख को ही सेकेंड सिटिंग में जो है ना मेजर हिस्ट्री वाले स्टूडेंटों का एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, पर देखिए मेजर हिस्ट्री जिनका भी है ना, उनका तैयारी मैंने करवा दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया, वहाँ से आप लोग सारे VVI क्वेश्चन हिस्ट्री का देख सकते हो। ठीक है, आगे देखिए फिर 15 तारीख की बात करें, 15 तारीख के 10 बजे से आपका कौन सा एग्जाम स्टार्ट है, तो मेजर हिंदी वालों का एग्जाम। फिर उसी दिन सेकंड सिटिंग में जो है इंग्लिश मेजर वालों का, फिलोसफी मेजर वालों का, संस्कृत मेजर वालों का, खौरठा होम साइंस मैथमेटिक्स एंथ्रोपोलॉजी वाले स्टूडेंटों का जो है ना वो एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, फिर 18 तारीख की बात करते हैं, 18 तारीख का मेजर जियोग्राफी, जिनका मेजर जियोग्राफी है, साइकोलॉजी, LSW, जियोलॉजी, जूलॉजी, उर्दू और इकोनॉमिक्स है ना, उनका एग्जामिनेशन कब होने वाला है, तो 18/6/2024 को होने वाला है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जो है उसी दिन सेकंड सेटिंग में जो है पॉलिटिकल साइंस का होने वाला है। ठीक है, मेजर 1 का। ठीक है, अब देखिए बात आता है, ये तो मेजर पेपर जो आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब बात आता है माइनर पेपर का। ठीक है, तो 19 तारीख को जो है ना माइनर पेपर होने वाला है, मीन्स जिसका इसका एग्जाम 14 तारीख को था, ठीक है, उसका एग्जाम जो है ना 19 तारीख को फिर से माइनर पेपर का होने वाला है। ठीक है, हिंदी का, मीन्स जिसका ऑनर्स हिंदी था, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था, मैनेजमेंट था, इकोनॉमिक्स था, लेबर था, सोशल वेलफेयर है, संस्कृत है, खोटा है, उर्दू, संथाली, फिलोसफी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, जो है ना माइनर में ये सब सब्जेक्ट रखे हैं, उनका एग्जामिनेशन जो है वो 19 तारीख को हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी माइनर में ज्योग्राफी रखे होंगे, फिजिक्स रखे होंगे, केमिस्ट्री रखे होंगे, जूलॉजी रखे होंगे, बॉटोनी रखे होंगे, जियोलॉजी है, सोशोलॉजी होगा, होम साइंस, साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी होगा, उसका एग्जामिनेशन जो है वो 19 तारीख के सेकेंड सिटिंग में होगा। ठीक है, फिर देखिए आगे, फिर 21 तारीख की बात आता है, 21 तारीख को जो है माइनर A1 हिस्ट्री वालों का है। ठीक है, जो हिस्ट्री रखे होंगे माइनर में, है ना, तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग सारे सब्जेक्ट देख सकते हो, क्योंकि अगर मैं इस प्रकार से एक बताते जाऊँगा ना तो बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट करके देख सकते हो कि किन किन स्टूडेंटों का जो है वो कब कब एग्जामिनेशन है। ठीक है,
यहाँ तो आपका जो एग्जामिनेशन है, फिर देखिए आप, फिर एमडीसी का भी एग्जामिनेशन होगा आपका 24, 25, 26 एमडीसी का एग्जामिनेशन होगा, सेकंड सीटिंग तक, दो दो सीटिंग में होगा, ठीक है। उसके बाद 27 जो आपका सेक वन इंटरप्रेनरशिप का एग्जामिनेशन होगा, सेट वन, सेट टू, सेट थ्री, सेट फोर का, ठीक है। उसके बाद 28 तारीख को जो है आपका 28, 6, 2024 को जो है सेक वन इंटरप्रेनरशिप सेट थ्री का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। और उसी के सेकंड सीटिंग में जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेट टू का एग्जामिनेशन होगा। फिर देखिए उसी में सेक वन जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एग्जामिनेशन होगा सेट वन में, फर्स्ट सीटिंग में, और सेकंड सीटिंग में जो है सेक वन साइबर डिफेंस मैथमेटिक्स वगैरह जिसका भी है उसका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। फिर 29 तारीख को एक ही एग्जामिनेशन है सेक वन का, जो सेक वन में डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह रखे होंगे आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। उन लोगों का एग्जामिनेशन जो है ना 29 तारीख को होगा, ठीक है। तो आप लोग डेट को जो है ना बढ़िया से लिख करके रख लीजिएगा कि कब कब आपका एग्जाम है, ठीक है, ताकि आप लोग को, क्योंकि देखिए फिर से आपका एडमिट कार्ड आने वाला नहीं है, है ना, तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो आप लोगों को तकलीफ होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए डेट लिख करके रख लीजिएगा ताकि आप लोगों को एग्जामिनेशन में दिक्कत ना हो। तो उम्मीद करते दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा था, और जो जितने भी वीवीआई सब्जेक्ट हैं, वीवीआई सब्जेक्ट के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया, वहां से आप सारे वीवीआई सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।